कोड है और कोड के नीचे अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली मेरे सारे डॉक्यूमेंट टेस्ट हो चुके हैं और आज की वीडियो मैंने बनाई है 22 IBCC लाहौर से, जो मेरे अपने डॉक्यूमेंट FSU मैट्रिक का टेस्ट करवा लिया और लकीली अलहमदिल्ला मेरा QR कोड भी स्कैन होकर चल रहा है। तो प्रोसेस ये था कि मेरी अपॉइंटमेंट थी 9 नवंबर, जो कि ऑफिशियली हॉलीडे अनाउंस हो गई थी, लेकिन मैं एक दिन पहले जब वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हॉलीडे है तो आप ऐसा करें आप 10 को आ जाएं, कोई बात नहीं। और जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि एक अनाउंसमेंट हर जगह पर चल रही थी कि अनाउंसमेंट मतलब एक पोस्ट थी जो ये है कि 9 को ओपन होगा, 9 और 10 को यानी ऑफिसेज ओपन होंगे और जिन लोगों ने अपने टेस्टेशन करवानी है वो जाएँ। तो मैं सुबह मेरी टाइम था 8:30 से 9 बजे का अपॉइंटमेंट का और मैं 8 बजे वहाँ पहुँच गई, क्योंकि बहुत से जगहों पर मैंने देखा था लोग 7:30 और 6:30 सुबह पहुँचे थे और बहुत रश होता है, ये भी मेरा इलम में था। तो मैं सुबह चली गई 8:30 के करीब, वहाँ पे कोई बंदा बशर नहीं था, झाड़ू और सफाई और जैसा लग रहा था वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, लोग भी नहीं, बच्चे भी नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड था। और उसके बाद मैं बैठ गई, मैंने वेट कर लिया क्योंकि फोटो कॉपी शॉप ओपन थी, हम बैठ गए वहीं पर। उसके बाद ना 2-4 बच्चे आते गए 9 बजे करीब ना स्टाफ के मेम्बर्स आ गए और फिर उन्होंने ना टोकन नंबर बांटना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल मुझे 8 नंबर मिला था, ये मैं लगा दूँगी अगर मेरे पास हुआ इस टाइम से, 8 नंबर टोकन मिला था। फिर हम लोग लाइन में लगे, टोटल 10 बच्चे थे, 10 बच्चे लाइन में लगे, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया। अब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे मैं घर से कम लेके गई थी, लेकिन मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपने लेके जाने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने टेस्ट करवाने हैं, FSC के ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट जो भी आपने टेस्ट करवाना है और मैट्रिक का। उसके अलावा इनकी एक एक कॉपी, ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं थी, आपने इसकी एक एक कॉपी करानी है, इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वहीं पर फोटोकॉपी के सामने दुकान है तो कोई इशू नहीं होता। उसके अलावा आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, चलान फॉर्म, जो जैसे भी आपने फीस सबमिट करवाई है ईजी पैसे के थ्रू या जैस कैश या वो उधर चलान फॉर्म बैंक NBP बैंक के थ्रू या जो भी आपके पास प्रूफ है वो आपने लगाना है। उसके अलावा ID कार्ड की कॉपी। और जो लास्ट चीज़ है जो अब चेंज हो गया है जो मुझे पता नहीं था, वो ये था कि आपने प्रूफ लगाना है कि आप 22 लाहौर से अपने जो यानी 22 लाहौर से जो आपने अपनी कॉपी से टेस्ट करवाई थी ना, सबसे पहले हम 22 लाहौर जाते हैं उसके बाद IBCC जाते हैं, तो उसका प्रूफ कि आपकी वो अटेस्ट हो गई थी या नहीं अटेस्ट हुई थी, यानी कोई ट्रैकिंग नंबर, कोई ट्रैकिंग ID या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। फिर मैंने जाके कैंटीन वाले अंकल से कहा कि मुझे अपना रोल नंबर यानी मुझे अपने रोल नंबर पता है तो आप प्लीज़ 22 की वेबसाइट पर लिख के देखें कि मेरा स्टेटस क्या है, क्या मैं डॉक्यूमेंट टेस्टेड है कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक पेज निकाल दिया जो मैं शो करवा दूँगी और मैंने वो नहीं दिखाया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है यानी वो प्रूफ है कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है और वो सबमिट हो गया। उन्होंने इतने कम लोग थे, टोटल 10 लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा कि आप 3 बजे आके ना तो अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और फिर मैं घर वापस आ गई और फिर दोबारा जब मैं 3 बजे वहाँ गई, पूरे एग्जैक्ट 3 बजे वो वहाँ पर दे रहे थे और मैं पहला बंदा था जिसको मिला, मतलब इतनी टाइम पे वहाँ, और वही लोग थे सुबह वाले 10, कोई और बना ही था, यानी जो इतनी ज़्यादा वीडियोस ये वो कि रश होता है ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी 9 को अपॉइंटमेंट थी और मैं बहुत कम लोगों में, मेरा बहुत जल्दी काम हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट टेस्ट हो गया। और देखें ये कोड है और कोड के नीचे साइन है और ये नज़र आ रहा है, इस कोड को अगर स्कैन करूँ ना तो मेरी पूरी डिटेल्स आ जाती, ठीक है। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि इसको कोई भी आपने कैमरा ऐप लेना है उसे ओपन करना है, इस जो कोई भी कैमरा गूगल लेंस या कुछ भी कैमरा जिस से आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, इसको आपने स्कैन करना और आपकी सारी डिटेल्स, आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज और आपने किस साल में पास किया और आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जिस पर मेंशन है वो सारा आ जाएगा। और इस तरह मेरी यानी जो मैं इतने महीनों से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने की जद्दोजहद थी वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी गाइडेंस है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं फौरन जवाब दे देती हूँ, मैं बहुत वेली होती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़।